चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर जांचू नाला के पास अचानक भारी लैंडस्लाइडिंग होने से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क को तोड़ते हुए नाले में जा गिरा। उसी के साथ ही बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गिरी और इससे चंबा तीसा मुख्य मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया है। यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों से भी अपील की जा रही है कि वो रात के समय सफर न करें क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड से खतरा बना हुआ है। चंबा तीस मुख्य मार्ग के बंद होने से यहां का ट्रैफिक थम सा गया है, तो वहीं पर दूसरी ओर लोगों की परेशानी भी बढ़ने लग गई है। देर रात को मार्ग को बहाल कर दिया गया है, लेकिन अचानक आज सुबह करीब 4 बजे भारी लैंडस्लाइड होने से मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया, तो वहीं पर वाहनों की आवाजाही पर इसका असर पड़ा है। तो वहीं पर दूसरी ओर नगरोड़ के SDO शैलेश राणा ने कहा कि चंबा तीस मुख्य मार्ग जानजू नाला के पास लैंडस्लाइड से बंद हो रहा है, जिसके चलते रास्ता बंद हो रहा है। लोगों से आह्वान करते हैं कि लोग रात को सफर ना करें क्योंकि लैंडस्लाइड से परेशानी बढ़ सकती है। आज सुबह फिर से रास्ते को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि उक्त मार्ग जल्दी बहाल किया जाए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जैसे कि आए दिन फॉरकास्ट हो रहा है, हर तीसरे दिन बारिश हो रही है और हमारी जितनी भी यहाँ पर ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं पत्थर गिरते रहते हैं। मैं तमाम वासियों को, जैसा कि पहले भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सर्कुलेट किया है कि जो चांजू नाला ब्रिज के पास जो लैंडस्लाइड हो रहा है, पूरी रॉक शटर्ड है और आए दिन पत्थर गिरते रहते हैं। दिन में तो पता लग जाता है, रात को अगर वहाँ ना क्रॉस करें, लोगों को रिक्वेस्ट है मेरी कि बहुत ज़रूरी हो तभी वहाँ से क्रॉस करें। जिस तरह से बंद होता है, हम लोग मशीनरी लगा के उसको क्लियर करवाते हैं, ब्लास्ट करते हैं, लेकिन PWD विभाग के मैं मज़दूरों की भी बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छी तरह से उन लोगों काम कर रहे हैं। खतरा तो है, लेकिन लोगों को सहूलियत देने के लिए उस खतरे को हम लोग आगे बढ़कर लोगों के लिए रास्ता क्लियर करने में जुटे हुए हैं। आज भी वो बंद है, परसों भी बंद था, डे बिफोर यस्टरडे, और रात को हमने 11 बजे उसको क्लियर किया था मोटरेबल, कल फिर आ गया था। आज शाम नियर अबाउट 3-4 बजे तक हमारी कोशिश है उसको बिल्कुल पूरी तरह से हम क्लियर कर दें।